आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और नया टॉपिक लेकर, जो कि काफ़ी कॉमन है, क्यों जो है ठाकुर जी के जन्मदिन के बारे में। हाँ जी, फिलहाल हाल ही में मेरे ठाकुर जी का जो है जन्मदिन आने वाला है 14 फरवरी, तो उसको लेकर के मैंने सोच मेरे मन में आया कि ठाकुर जी के जन्मदिन के बारे में भी मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए, जो कि मैंने अब तक नहीं बनाई है। कि जो लोग ठाकुर जी का बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, हमने लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाते हैं, उस बारे में क्या वो ठीक है, अगर हमको बनाना चाहिए ठाकुर जी का जन्मदिन, अगर बनाना चाहिए तो क्यों मनाना चाहिए, और क्यों मनाने के साथ साथ तो अगर बनाएं तो फिर हम किस तरह से ठाकुर जी का जन्मदिन मनाना चाहिए। हाँ जी, तो मेरे सब्सक्राइबर जो है उनको मैं बता दूं कि जो मेरे ठाकुर जी हैं उनका जो है जन्मदिन आने वाला है, जो कि जो है 14 फरवरी का। हाँ जी, 8 साल हो जाएंगे उनको और मेरे रिश्ते को जुड़े हुए, इस बार 14 तारीख को 8 साल पूरे हो जाएंगे। तो इस साल मेरे और ठाकुर जी का जो रिश्ता है वो 8 साल का हो जाएगा, यानी कि 14 तारीख को हमारे 8 साल पूरे हो जाएंगे। उनका जन्मदिन कह लो या हमारे उनका रिश्ते का साथ कह लो, वैसे तो उनका और हमारा रिश्ता अनंत समय से है, लेकिन जो मेरी स्मरण में है, जो अभी मेरी याद में है, वो 8 साल का है। हाँ जी, तो इसको मैं हम जन्मदिन कह लें या फिर अपने हमारे रिश्ते का जो शुरुआत है वो कह लें, वो मैंने उसको हमारे 8 साल मेरे आज 14 तारीख को यानी कि पूरे हो जाएंगे। तो मैं आपको बताने वाली हूँ ठाकुर जी का जन्मदिन जो लोग मनाते हैं अपने लड्डू गोपाल का, जिस दिन वो उनके उनके घर आते हैं, जिस दिन उनको वे लाते हैं उस दिन बनाते हैं। कई लोगों का अलग अलग तरीका है, कुछ लोग घर पर जैसे अपने बच्चों का बनाते हैं, बैलून्स बुला कर केक काटते हैं, बच्चों को बुलाते हैं और बाकी ठाकुर जी को बुलाते हैं सबके घरों के। कुछ लोग कीर्तन रखते हैं उस दिन, कुछ लोग जो है इस दौरान अपने ठाकुर जी के जन्मदिन पर केक काटते हैं, वो कुछ लोग दावत रखते हैं जैसे अपने बच्चों का बनाते हैं उस तरीके से करते हैं, कुछ लोग कीर्तन रखवा देते हैं उस दिन, कीर्तन करते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है, और कुछ लोग कुछ और करते हैं, कहीं वृंदावन चले जाते हैं उनका बर्थडे बनाने, वृंदावन धाम में जाकर दर्शन करके आते हैं, ठाकुर जी को वृंदावन घुमाते हैं। तो कुछ लोग संतों की सेवा करवाते हैं, संतों को भोजन कराना या भूखों को या फिर बाहर भंडारा करवाना, कई तरीके हैं अलग अलग ठाकुर जी का जन्मदिन मनाने के। जिस तरीके से ठीक हमारे जन्मदिन मनाने के कई कई तरीके हैं अलग, हमने बच्चों के जन्मदिन जिस तरह बना सकते हैं उसी तरीके से ठाकुर जी के भी जन्मदिन हम कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जो जिस तरीके से आप बनाना चाहें बना सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा है भाव है। मैं कुछ ये नहीं कहूँगी कि ये गलत है ये सही है, क्योंकि ऐसे कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि केक काटना गलत है, ठाकुर जी के जन्मदिन पे केक नहीं काटना चाहिए, बहुत से लोग केक काटते हैं, ऐसे करते हैं, सब ठीक है, सबकी भावनाएँ सब बिल्कुल सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो है जो मैं आप सबसे जो आप ठाकुर जी का जन्मदिन मनाते हैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि ये चीज़ जो जो आपको जो है उस दिन ज़रूर करनी चाहिए वो क्या है, और कुछ करें ना करें और उसके साथ ये ज़रूर करें जो कि मैं भी करती हूँ। हर साल जो है हमको ये सोचना चाहिए कि हे प्रभु, एक साल और बीत गया है आपके और हमारे जब हमारे रिश्ते को, हमारी जान पहचान को, एक साल और चला गया इसी तरीके से आपके और मेरे वियोग में, और हमारा मिलन नहीं हुआ और हम आपसे मिले नहीं, अब तक हम आपसे दूर हैं प्रभु, प्रभु हम आपसे अभी भी दूर हैं, एक साल और बीत गया, अब आप और कितना इंतज़ार करेंगे। हर साल उनका जो जन्मदिन की जो तारीख है उस दिन आप उनका इंतज़ार का दिन बनाइए कि शायद इस साल इस जन्मदिन पर ठाकुर जी आपको मिल जाएंगे, अगर ये नहीं आए तो अगले साल जो है इस तारीख को इसमें जन्मदिन के दिन ज़रूर आएंगे। इस तरीके से अपना कुछ नियम बनाइए, या कुछ भी ये नहीं कि जो मैं कह रही हूँ वही, कुछ भी आप बना सकते हैं। ऐसा दिन होता है जैसे जितने साल होते जाएं आपको, हर साल आप उनके लिए कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ कीजिए, एक ऐसी क्रिया, जैसे कुछ भी जो ठाकुर जी को जो भोग लगाया कि आप इस जो उस दिन जो भी उनका जो फेवरेट डिश है वो बनाई, उस दिन उनके सामने रख दिए, और उस दिन कि आप विश्वास से ये बैठकर विश्वास करें और विश्वास से बैठें कि आप इस दिन आज ज़रूर खाना खाने आएंगे, या ज़रूर आप मेरा बना हुआ भोजन खाने आएंगे आज, मुझे विश्वास है। उस दिन उनके सामने रख दें, पूरी रात रखे रहने दें और खुद भूचाए भोजन ना करें। ऐसा अपना कुछ नियम बना लें हर साल का कि हर साल जैसे आप उनका इंतज़ार करें, जिस तरीके से शबरी किया करती थी, या जरूरी नहीं भोजन या फिर कुछ और आप सेवा दें उन्हें, कुछ और सेवा करें कि इस साल कि इस बार तो आप ज़रूर आएंगे, या ज़रूरी नहीं जो मैंने बताया भोजन की या फिर कुछ और आप कर सकते हैं, जैसे कि कुछ वस्त्र इत्यादि कुछ आप उनको दें, और पर आपको इस विश्वास हो कि आज के दिन ज़रूर ठाकुर जी इसको ग्रहण करने आएंगे, ज़रूर आप उनका इंतज़ार देखें रात को कि आज ज़रूर ठाकुर जी आएंगे।
कि आज जरूर ठाकुर जी आएंगे। ऐसे कुछ भी आप अपना नियम बना लें हर साल का, आप कुछ अपना हर साल का जो है नियम अपना पक्का बना सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी। जितनी लंबी प्रतीक्षा होती है उतना गहरा प्रेम होता चला जाता है। हर एक साल के साथ आपका प्रेम जो है आप बढ़ता चला जाएगा, आपकी प्रतीक्षा जिससे इस तरह से बढ़ती जाएगी और आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। एक दिन फिर ऐसा आएगा एक साल की आपको विश्वास इतना गहरा हो जाएगा कि हाँ प्रभु जरूर आएंगे ही आएंगे। ठाकुर जी जो हैं, भगवान जो है विश्वास देखते हैं। जब ठाकुर जी, इनकी एक कमजोरी है कि वो कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ते। जब कोई पूरा 100% कोई विश्वास कर लेता है, पूरा 100% विश्वास कर लेता है, बिल्कुल उसको शंका नहीं होती, तो फिर ठाकुर जी को जरूर आना ही आना पड़ता है। तो ये एक चीज़ है जिससे आपकी भक्ति में हर साल बढ़ावा होता जाएगा, आपके प्रेम में बढ़ावा होता चला जाएगा, आपके विश्वास में हर साल जो है बढ़ोतरी होती चली जाएगी। ये एक बहुत अच्छा तरीका है ठाकुर जी का जन्मदिन मनाने का। हर साल उनका इंतज़ार करने बैठे कि इस साल ज़रूर आएंगे प्रभु, चलो इस साल नहीं है, चलो अगले साल आप ज़रूर आओगे। इस तरीके का कुछ ऐसा नियम कुछ बनाएं अपनी तरफ से। मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, कई तरीके हो सकते हैं जिससे आप प्रभु को रिझा सकते हैं, उनका इंतज़ार प्रतीक्षा कर सकते हैं और उनको जीत सकते हैं। तो ये एक तरीका है। ये कैसा लगा आपको ये कमेंट में नीचे बताना, और कोई प्रश्न हो ठाकुर जी के जन्मदिन को लेकर तो हम उसे नीचे पूछ सकते हैं। ठाकुर जी के बारे में और कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे पूछ सकते हैं कमेंट में लिख के, मैं आपका उत्तर ज़रूर दूंगी। और वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ठाकुर जी को भक्तों को, जो जिनको लगता है आपको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उनसे ज़रूर शेयर करें। तो अब मैं चलती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।